Let's do question number 6 of exercise 7B, that is lines and angle. Question number 6 is two lines AB and CD intersect at O. फ्रेंड्स दो लाइन दे रखी हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं ओ पॉइंट पे. कौन कौन सी लाइन? ए बी. फिगर भी दे रखी है, आप फिगर में देख के बना लीजिए. और हर एक क्वेश्चन में जिसमें फिगर दे रखी है प्लीज एग्जाम में भी फिगर बना के आए. इफ एओ सी इज 50 डिग्री, एओ सी इज 50 डिग्री, फाइंड एओडी, ये निकालना है, BOD and BOC, ये तीनों एंगल्स निकाल. फ्रेंड्स हमें दे रखा है एंगल AOC equals to 50 degree, right friends? अब जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, तो इसके ऑपोजिट के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट फ्रेंड्स? तो अब देखिए एंगल AOC किसके इक्वल हो गया? BOD के. एंगल BOD, तो BOD भी कितना हो गया? 50 डिग्री. क्यों एंगल इक्वल है? बिकॉज वर्टिकली, ये कौन से एंगल्स कहलाते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट थिंग देखिए, ये क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के इधर का हो या इधर का हो, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब AOC कितना दे रखा है? 50 डिग्री प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180. तो एंगल AOD कितना आ गया? 180. ये प्लस का था इधर आके, माइनस का हो गया, तो कितना आया? 130 डिग्री, राइट फ्रेंड्स? अब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू 130 डिग्री. व्हाई? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आंसर. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on Maths and share it with your friends. Thank you.